हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड्रॉइड। आज के अपने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस से बिना रूट किए हुए ब्लर्ड बैकग्राउंड वाली इमेजेस कैसे कैप्चर कर सकते हैं फ्रंट एंड रेयर दोनों कैमरा से। तो गाइस, जैसा कि मैंने पहले वीडियोज बनाए हुए थे कि आप अपने फ़ोन को रूट करके और पिक्सल 2 का मोडेड कैमरा यूज़ करके ब्लर्ड बैकग्राउंड वाली इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं फ्रंट एंड रेयर कैमरा से, तो आज के अपने इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि अगर आपका फ़ोन रूटेड नहीं है या आप अपने डिवाइस को रूट नहीं करना चाहते फिर भी ब्लर्ड बैकग्राउंड वाली इमेजेस चाहते हैं, तो आप इन ऐप्स को, जो ऐप्स आज मैं बताने वाला हूं, इनको यूज करके ब्लर्ड बैकग्राउंड वाली इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं फ्रंट एंड रेयर दोनों कैमरा से। तो गाइज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं इस तरह की टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे प्रेस कर देंगे तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएंगे जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँगा। तो गाइज, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि सबसे पहला ऐप जिसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं यहाँ पे, उसका नाम है फैबी। तो ये ऐप आप प्ले स्टोर से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं अपने किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन में। डाउनलोड कर लेने के बाद आप सिंपली उसे नेसेसरी परमिशन दे दीजिए और सेटअप कर लीजिए, और उसके बाद जब इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पे फ्रंट कैमरा बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है, लेकिन आप रेयर कैमरा से भी ब्लर्ड बैकग्राउंड वाली इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ से इमेज को एक कैप्चर कर लीजिए, और कैप्चर कर लेंगे जैसे ही तो उसके बाद ये उस इमेज को प्रोसेस करना शुरू कर देगा। प्रोसेस करेगा और एनालाइज करेगा बैकग्राउंड और सब्जेक्ट को, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने बैकग्राउंड को ब्लर कर दिया है। एज डिटेक्शन काफ़ी ठीक ठाक है। अगर आप अच्छी लाइटिंग कंडीशंस में इमेज कैप्चर करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे इसके थ्रू। और यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख सकते हैं ब्लर को एडजस्ट करने के लिए भी ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आप ब्लर एडजस्ट भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ एडिशनल ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे फन वाला ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ आपको इस टाइप की ग्राफिक्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे आपको कस्टम बैकग्राउंड का भी ऑप्शन दिया गया है, तो कस्टम बैकग्राउंड चूज़ करेंगे तो आपका बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा, और वहाँ पे आप कोई भी इमेज या कोई सीनरी या कुछ भी यूज़ करके कस्टम बैकग्राउंड भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप सिंपली सेव पे प्रेस कर देंगे तो ये इमेज आपके गैलरी में सेव हो जाएगी। और सेव हो जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ फैबी लिखा हुआ आएगा, एक वाटरमार्क आएगा, तो अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली वन प्लस का गैलरी ऐप यूज़ कर लीजिए या कोई भी ऐप यूज़ कर लीजिए जो आपकी इमेज को क्रॉप कर सके। तो सिंपली मैं यहाँ पे वन प्लस का गैलरी ऐप यूज़ कर रहा हूँ और सिंपली इसको मैं यहाँ से क्रॉप कर ले रहा हूँ, तो क्रॉप कर दूंगा तो फैबी यहाँ से हट जाएगा। और इसके अलावा मैं स्नैपसीड ऐप को यूज़ करके अपनी इमेज को थोड़ा सा इन्हेंस कर सकता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे एडिटिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको स्नैपसीड ऐप में, ये गूगल की तरफ से ऐप आता है, तो इसे यूज़ करके आप इसका कलर सेचुरेशन और ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ये सब चीज़ें बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो अपनी इमेज को थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं यहाँ से। तो गाइज, अब हम आपसे बात करते हैं यहाँ पे दूसरे ऐप के बारे में। तो दूसरे ऐप का नाम है लाइट एक्स। इसे भी आप प्ले स्टोर से सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में, और इंस्टॉल हो जाने के बाद सिंपली इसे भी नेसेसरी परमिशन दे दीजिए, सेटअप कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो गैलरी में इमेजेस हैं उन्हें भी उठा के बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। बेसिकली इस ऐप में आपको थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ती है अगर आप ब्लर्ड बैकग्राउंड वाली इमेजेस चाहते हैं, तो सिंपली आप जो गैलरी में इमेजेस क्लिक हुई हैं पहले से उन्हें भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप इमेज कैप्चर कर लीजिए। और कैप्चर कर लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडिट का एक आइकन मिल जाता है आपको, तो सिंपली एडिट पे क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको एडिटिंग के, बट हमें यहाँ पे क्लिक करना है फोकस के ऊपर, तो फोकस पे क्लिक कर दीजिए। और फोकस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तो हमें सिंपली मास्क पे क्लिक करना है नीचे की तरफ, और मास्क पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन सेलेक्टेड रहेगा स्मार्ट सेलेक्ट, तो उसके बाद हमें क्या करना है कि बैकग्राउंड जो है हमें बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर देना है सिंपली, तो ऐसे एक मास्क सा क्रिएट करना है। तो जैसे ही हम क्रिएट कर देंगे तो उसके बाद ये बैकग्राउंड को एनालाइज कर लेगा और आपके बैकग्राउंड को ब्लर कर देगा। यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख सकते हैं कि बैकग्राउंड के ब्लर को जो है आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप बैकग्राउंड ब्लर को भी एडजस्ट कर पाएंगे इस ऐप के अंदर भी। और यहाँ पे आपको अगर एज डिटेक्शन में थोड़ा सा इशू आता है, कहीं कहीं ब्लर नहीं करता, तो उस पर सिंपली फिर से क्लिक कर देंगे तो उस जगह को भी वो ब्लर कर देता है, और उसके बाद सिंपली आप यहाँ से इस इमेज को सेव कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऐप है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और गाइज, अब हम बात करते हैं अगले ऐप की या लास्ट ऐप की। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ गूगल कैमरा ऐप की। तो गाइज, ये गूगल कैमरा ऐप पिक्सल 2 वाला कैमरा ऐप नहीं
नहीं है। गूगल की तरफ से आने वाला ये डिफ़ॉल्ट एक कैमरा ऐप है जो कि किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में ऑलमोस्ट चल जाएगा, तो इसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में और यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली इसे इंस्टॉल कर लीजिए और परमिशंस दे देने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस इसका मिल जाएगा आपको। और उसके बाद जब टॉप लेफ्ट साइड में इसमें क्लिक करेंगे तो आपको मेन्यू मिल जाता है, तो यहाँ से आप सिंपली लेंस ब्लर का ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। और लेंस ब्लर के ऑप्शन पे चूज़ करने के बाद जब आप इमेजेस कैप्चर करते हैं तो कैप्चर करने के साथ ही आपको यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप दिखता है कि आपको धीरे से एकदम स्लाइटली धीरे से आपको फ़ोन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे टिल्ट करना है। तो उसके बाद वो एनालाइज कर लेता है बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के बीच में दूरी को, और उसके बाद वो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से ब्लर कर देता है। हालांकि आपको रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलने वाले यहाँ पे जो पिक्सल 2 का कैमरा करता है, बट अगर आप अपने फ़ोन को रूट नहीं करना चाहते तो ये बेटर ऑप्शंस हैं, आप यूज़ कर सकते हैं इनको। और यहाँ पे गूगल कैमरा से भी आप फ्रंट एंड रियर दोनों कैमरा से बैकग्राउंड ब्लर्ड वाली इमेजेस, बुके इफेक्ट वाली इमेजेस कैप्चर कर पाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पे गूगल कैमरा के अंदर भी आपको कुछ एडिटिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो गाइज आज के अपने इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि आप अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में बिना रूट किए हुए बैकग्राउंड ब्लर वाली बोके इफेक्ट वाली इमेजेस को कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए और कमेंट करिए अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं इस तरह की टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेके आता रहता हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।